कोई स्त्री विमर्श के लिए लिखता है, कोई दलित विमर्श के लिए लिखता है, और ये कहा जाता है कि देखो समाज को बांट रहे हैं, समाज को जोड़ने वाला साहित्य नहीं लिख रहे, समाज को तोड़ने वाला साहित्य लिख रहे हैं। जहाँ दलित विमर्श को ब्राह्मण पढ़ता है तो उसको लगता है कि भाई इनके साथ गहराई और बढ़ रही है, और ब्राह्मण विमर्श को दलित पढ़ता है तो उसको लगता है कि भाई देखो ब्राह्मणों ने तो तबाह कर दिया, इन्हीं की वजह से नहीं बढ़ पाया आज तक। देखिए ये बहुत सतही किस्म की बातें हैं, लेकिन है तो मना तो नहीं कर सकते आप। मैं बात पूरी कर लूँ, ये सतही इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये सतह की बातें हैं। मैत्रेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम उनके लिए लिखते हैं जो वंचित हैं, और एक पंक्ति में अगर कहूँ तो साहित्य वंचितों का ही पक्षधर है, वधिकों के विरोध में जैसे इन्होंने कहा, वही बात घुमा फिरा कर एक ही जगह है कि वंचितों के पक्ष में है, वधिकों के विरोध में है। साहित्य में दलित विमर्श हो, कोई भी लेखक हो, अगर वह मनुष्य विरोध में है, मनुष्य के विरोध में लिख रहा है, तो वह साहित्य है ही नहीं। साहित्य की जो मूल जमीन है वह मनुष्य के पक्ष में है, और जब मैं मनुष्य कह रहा हूँ तो उसमें वह पूरा का पूरा संसार शामिल है, जो वंचित हैं, जो दलित हैं। दुख और दुख में भी फर्क होता है, खाए पिए अघाए लोगों के दुख और भूखे रहने वालों के दुख में फर्क होता है, दुख और दुख में फर्क होता है, जैसे सुख और दुख में फर्क होता है वैसे दुख और दुख में फर्क होता है। तो साहित्य में ये ब्राह्मण दलित ये सब अपनी जगह पर, ये हमारे तात्कालिक बंटवारे हैं, हम एक बड़ी लंबी लड़ाई पर हैं, उसमें हम टुकड़े टुकड़े में बांट के भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हम। अगर दलित लेखकों का एक बड़ा समूह आ रहा है और उनकी पीड़ा को लेकर के सामने आ रहा है, जिसको आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं, तो उसका स्वागत हो रहा है साहित्य में। उनके अपने जीवनानुभव हैं, उन जीवनानुभवों को साहित्य में जगह मिल रही है, यह महत्वपूर्ण है। साहित्य में यह लड़ाइयां जो होती हैं, वह लड़ाइयां अंततः यही जाके समाप्त होती हैं कि हम किनके लिए लिख रहे हैं, आपके इसी प्रश्न पर कि साहित्य किसके लिए। तो अगर वो वहां तक पहुंच रही हैं चीजें, कविताएं, कहानियां, उपन्यास, साहित्य का जो भी विधा में आप उसको रखिए, तो वो सार्थक साहित्य है, वह रचा जा रहा है। ये तमाम लड़ाइयां बहुत अर्थ नहीं रखती हैं, इनको मिटना है, इन दूरियों को पाट करके ही साहित्य को अंततः वहां पहुंचना होगा।